हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर का जो पोर्शन है वो इंडेफिनिट और कंटिन्यूस कर चुके हैं और दोनों की एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट वी हैव डन। अब बात आई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको कराना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलते हैं करते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज भी करनी है, फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको, मतलब सिक्वेंस बाय सिक्वेंस हम चलते रहेंगे, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे कुछ लोग, ये परफेक्ट है जो इनकम्प्लीट होता, मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, एकदम क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसा कि मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप उनको, हम लोगों को, तो ये आपका रहा हेल्पिंग वर्ब। इसमें एक होता है हैज होता है और दूसरा होता है हैव। ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक, ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, और ये जो हैव यूज़ होता है वो होता है प्लरल के साथ, ये हम यूज़ करते हैं प्लरल के साथ, ठीक। और जो नोट करने वाली जो चीज़ होती है वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब रही बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेफिनेशन, ठीक। तो जो उसमें काम का मेंशन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, फंक्शन एकदम कंप्लीट होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। कैसे भी करके वो कार्य जिस जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। अब इसका उपयोग हम, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। देखिए, जब इसका यूज हम तब करते हैं जब पूर्व में कोई चीज हुआ हो, कंप्लीट हो गया हो, और वो उसके कंप्लीट होने पर, मतलब वो अभी कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ ही पल पहले हुआ है, मतलब हाल ही में ऐसी कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, कोई आधा अधूरा नहीं है, क्या है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो हमने इंग्लिश में लिखवा दिया, तो हिंदी में आपको पता है चुका है, चुकी है, यही आता है, ये लिखा गया होता है चुका है, चुकी है, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन उसमें आ क्या क्या सकता है मैं आपको वो बताऊंगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे आएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि अगर लास्ट में है तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर जो जिस कार्य के बारे में बात हो रही, जिस फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, जो बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो हो चुका है और उसके हुए कुछ ही देर पहले वो हुआ है, कंप्लीट भी हो चुका है और कुछ देर पहले वो हुआ है, तो ऐसे में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, दैट इज फर्स्ट वन इज हैज एंड वी यूज विद सिंगुलर, हम इसको सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और हैव हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लरल के साथ यूज करते हैं। और जो थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, डेफिनेशन क्या होना चाहिए, उसका कार्य एकदम कंप्लीट होना चाहिए, चुका है, चुका है, गई है, गए, ऐसे कई चीजें आएंगे, लेकिन हम सबसे ज्यादा फोकस क्या करेंगे कि वो काम हो चुका है, वो कार्य हुआ है कुछ देर पहले। हाँ, इसमें एक और डाउट होता है, आप देखिए कुछ बच्चे होते हैं वो जो सिंस फॉर यूज करते हैं, सिंस और फॉर, ठीक है, वो सिर्फ किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन आप देखेंगे ग्रामर में, आप देखेंगे आपके बुक में भी होगा कि वो इसमें भी यूज किया हुआ होता है, तो ये जरूरी, ये देखिए, ये एक प्रकार की, ये जो सिंस और फॉर, ये जो प्रपोजिशंस हैं, ये इनका इस्तेमाल होता है कि कहाँ कहाँ किया जाता है, बाकी हम इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब ये सिंस क्या होता है, ये बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, ये क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो सिंस का यूज किया जाता है वो क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और जो फॉर हम यूज करते हैं वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कहेंगे सर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों मैं वो भी आपको, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि किसी एक बिंदु पर एक समय निश्चित हो,
क्या होता है, एक समय कोई निश्चित होना चाहिए और पीरियड आपका टाइम क्या है, मतलब कि वो ड्यूरेबल हो, मतलब उसमें कोई ड्यूरेशन हो, वो लंबे समय तक खींचा हो, तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। कैसे, जैसे हम मान लें कि 11 तारीख को अभी ये सितंबर, अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, कोई भी हो, चाहे ये अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जून चल रहा है आपका। तो अगर हम ये कह दें कि 18 जून 2020, तो ये क्या हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम होगा, नहीं ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ये हम ये कह दें कि सुबह में कह दें का मतलब क्या है, अभी आज ही के सुबह हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एकदम सिंस मॉर्निंग, मतलब कि एकदम सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम से 2 दिनों से, अब 2 दिनों में ये पीरियड हो गया, 1 दिन से लेकर 2 दिन तक ये लंबा खींचा है, कई वर्षों से ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंट होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें भी यूज हुआ होता है, तो उसको आप कंफ्यूज ना हो, तो हम उसको क्लियर आपको करा देंगे, ठीक। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, है प्लुरल के साथ यूज करते हैं, और वर्ब में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी डेफिनेशन क्या होना चाहिए, चुका है, चुकी है, लास्ट में आएंगे, लेकिन वो फंक्शन जिसके विषय में बात की जा रही होगी वो कंप्लीट होना चाहिए आपको, किसी भी हालत में कंप्लीट होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि चुका है, चुकी ही आए, क्या क्या और आ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, और एग्जांपल से पहले मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे करके हमने लिखवाया है। तो वैसे इसमें भी वही चीजें हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कॉमन चीज में कि इसमें ढेर सारी चीजें बदलती नहीं है, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और थोड़े से रूल्स कुछ नहीं बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, वर्ब में शायद थर्ड फॉर्म लगे, आईएनजी लगे, सेकेंड फॉर्म लगे, या उसके डेफिनेशन में, बाकी चीजें वही होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही आपका थर्ड फॉर्म हम नहीं यूज करेंगे, बल्कि आने वाले अपकमिंग जो नेक्स्ट होंगे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, उन सभी में हम क्या करेंगे, वो आपका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके लास्ट वाले वीडियोस में कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने आपको बताया था, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हम इसमें यूज नहीं करते हैं, बट ऑल्सो वी यूज इन फ्यूचर पास्ट, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का हो, सभी में हम क्या करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये कह दें कि वो सब लंच कर चुके हैं, वो लोग लंच कर लिए हैं, वो लोग लंच कर लिए हैं, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल है, वो लोग लंच कर लिए हैं। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो लोग लंच खा चुके हैं, वो लोग लंच कर चुके हैं, तो बात तो वही हो रही है, यहाँ चुके हो या खा चुके, कुछ भी हो, लेकिन बात क्या हो रही, वो जो लंच खाने वाली बात है, वो क्या, वो लंच खा चुके हैं, अभी बाकी नहीं है कि वो जा रहे, करने जा रहे, लंच करने जा रहे, या फिर अभी कर ही रहे, ऐसा नहीं है, वो क्या, लंच कर चुके, मतलब जो खाना खाने वाली जो प्रोसेस थी, वो जो प्रक्रिया थी भोजन करने वाला, वो सब फिनिश हो चुका है। तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करना, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने है देखा, तो ऑब्वियसली वो क्या है, प्रेजेंट का है। फिर हम देख रहे हैं इसमें जिस कार्य के विषय में बात की जा रही है, लंच करने का, वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो गया। टेंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा टेंस से बिलोंग करता है, दिस सेंटेंस एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट मींस दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हैज और हैव इसके क्या होते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और हैव हम प्लुरल के साथ यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में तुरंत स्टक कर जाना चाहिए, खटक जाना चाहिए कि ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी गोना यूज हैज और हैव, जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज को सेलेक्ट करेंगे, हैव को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, वो लोग का मतलब क्या है, वो प्लुरल है, कई लोग हैं, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते दे, आप दे से भी काम चला सकते हैं या फिर लगा सकते हैं दे पीपल, ठीक है, दे पीपल कर चुके, करने का मतलब लेना भी आप लगा सकते हैं, तो दे पीपल। अब हम क्या यूज करेंगे, हमने आपको बताया था कि क्या लिखाते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब
वेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, फिर हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव होगा, क्योंकि बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज अ प्लरल, हमारा सब्जेक्ट प्लरल है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हैव। दे पीपल हैव, लेना करना खाना एक ही, चाहे ईटन लगाइए, चाहे टेक का यूज कर सकते हैं या हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम टेक इन लगा सकते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दे पीपल हैव टेकन लंच, दे पीपल हैव टेकन लंच, तो ये क्या हो गया, वो लोग लंच कर चुके हैं। अब हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे नेगेटिव बनाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं लास्ट वीडियोस में या मैं स्टार्टिंग में ही कॉमन चीजों में बता दिया था कि जब भी ऐसी चीज हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप तुरंत क्या कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए, तो ये किस में बदल जाता है, नेगेटिव में। तो चलिए हम क्लियरली लिख लेते हैं, तो जो हमारा जो सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, दे पीपल हैव नॉट टेकन लंच, ठीक, दे पीपल हैव नॉट टेकन लंच। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना हो, तो अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो टाइप्स के इंटरोगेटिव होते हैं, पहला ऐसा जिसका आप यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या वो लोग खाना खा चुके हैं, क्या वो लोग खाना नहीं खा चुके हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यस या नो को आराम से कह सकते हैं। अगर जब यस या नो को आप रिप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो उसका जो फॉर्मेशन वो क्या होता है, सबसे पहले हम एच वी लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर नॉट अगर जरूरत है तो लिखते हैं, फिर वर्ब का, फिर मेन वर्ब हम लिख देते हैं, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा कि हैव, दे पीपल हैव, दे पीपल नॉट टेकन लंच, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि क्या वो लोग खाना नहीं खा चुके हैं, लंच नहीं कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हर चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बेफिक्र रहिए। कुछ एग्जांपल मैं आऊँ, कुछ एग्जांपल क्या, ये चीजें मैंने तीनों चारों चीजों में बता दिया, तो इसका और एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव और बनता है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। वो कैसे बनता है कि ये कौन सा था, दे पीपल हैव टेकन लंच, अगर हम ये पूछे कि वो लोग कब खाना खाए, वो लोग कब खाना खाए, तो वो क्या हो जाएगा, When have they taken lunch? Question mark. तो ये कौन सा दो टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब से, एक दो टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है यस या नो में, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से, ये आपका क्वेश्चन वर्ड रहा, जब ये से स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन दूसरे पहले वाले में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर लंच लिखते हैं, या लंच का मतलब ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, उसमें उसके एक्सरसाइज भी कुछ हिंदी के करेंगे, कुछ इंग्लिश वाला भी कर लेंगे, और अगर वीडियो आपको लाइक होता है तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, जो जो बच्चे सभी फंसे हैं क्लास 10th के 9th के हैं, उनको शेयर करिए, बल्कि ग्रामर तो सभी के लिए यूजेबल है, तो आप सबको सेंड करें। थैंक यू सो मच।